तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 2022 और 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं सभी को एक साथ और वो भी बहुत तीव्र गति से उनका अध्ययन करेंगे। आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं UPPSC की हों, UP SSC की हों, SSC की हों, बाकी चाहे जो हों, सभी में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। एक से दो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आपको पेशेंस रखकर पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजनों का स्थान है 5वां। तो देखो, जो सबसे बढ़िया खाना बनता है वो इटली में बनता है, यानी क्योंकि इटली को यहाँ पर सबसे ऊपर रखा गया है। इसे जारी किया गया है टेस्ट एटलस अवार्ड्स के द्वारा। वर्ष 2022 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला ग्लोबल हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये है हनेडा हवाई अड्डा, जो कि जापान में स्थित है। और इसी सूची में दूसरा स्थान कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है, बेंगलुरु वाला। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGI नई दिल्ली इस सूची में 7वें स्थान पर है। जारी किया है किसने? सीरियम ने। नेक्स्ट होगा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा भारत इसमें 8वें स्थान पर है। डेनमार्क 4थे स्थान पर है, क्योंकि पहले 3 स्थान रिक्त हैं। आखिरी स्थान पर ईरान है। इसे जारी किया गया है जर्मन मार्च न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट होगा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, जिसे जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क USA ने। इसमें सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड, लगातार 6ठे वर्ष। अब फिनलैंड याद कैसे रखोगे? देखो, नोकिया कंपनी थी सबसे पहले जिसने फ़ोन बनाया, फ़ोन जो पाता था वो खुश हो जाता था, तो फिनलैंड से बनती थी नोकिया। तो बस ऐसे याद रखना कि फ़ोन पा के खुश हो गया सबसे पहले, और नोकिया बनी थी फिनलैंड में, तो थोड़ा सा रिलेट करोगे तो याद रहेगा, ठीक है। भारत इसमें 126 स्थान पर, यानी कि भारत बहुत खुश देश नहीं है, लेकिन सबसे नीचे है अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। विश्व कानून व्यवस्था सूचकांक 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की सूची में कौन सा देश टॉप पर है? तो सिंगापुर के लोग, सिंगापुर में कानून व्यवस्था एकदम चकाचक है। कुल 121 देशों में भारत 60वें स्थान पर है। इसे जारी किया किसने? गलप INC अमेरिका की संस्था है। इसके बाद वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022, यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में, तो टॉप पर इसमें है फिनलैंड, ठीक है। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में टॉप पर कौन है? फिनलैंड है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, तो खाद्य सुरक्षा तो वहाँ पर होगी ही होगी। भारत इसमें 68वें स्थान पर है। जारी किया किसने? द इकोनॉमिस्ट ने। ये संस्करण रहा था 11वां। आगे बढ़ते हैं। असमानता को कम करने की प्रतिबद्धता सूचकांक 2022 में टॉप पर है नॉर्वे, ठीक है। तो नॉर्वे जो है प्रयास कर रहा है कि वो असमानता को सबसे कम लेवल पर ले आए, और भारत इसमें अभी 123वें स्थान पर है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण 2022 के अनुसार सबसे ज्यादा बाल विवाह के मामले में टॉप पर कौन सा राज्य है? तो ये है झारखंड, यानी कि बाल विवाह सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? झारखंड में होते हैं। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर, ये पूरा नाम है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में, भारत की रैंक है 93। पहला स्थान मिला किसको? स्वीडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान है 121। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? 121 स्थान पर है। टॉप पर फिनलैंड है। जारी किया है किसे? इसने SDSN के द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, UN की संस्था है। नेक्स्ट होगा सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो ये है पुडुचेरी। सबसे खराब SPI इंडेक्स झारखंड और बिहार का है। इसे जारी किया किसने? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और इसको देखो जो है ना EACPM के नाम से भी शॉर्ट लिस्ट आप कर सकते हो। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, इसको कहते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2022 में शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड, इसको स्विट्जरलैंड पढ़ते हैं,
लगातार 12वें साल स्विट्जरलैंड जो है ये टॉप पर बना हुआ है। भारत 40वें स्थान पर है, जारी करता है कौन इसे, वाइपो। नेक्स्ट होगा भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के मुताबिक पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमले जम्मू कश्मीर में हुए और इसे जारी किया गया है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप नई दिल्ली के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है। पहला स्थान नॉर्वे का है, जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कहा जाता है। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर अमेरिका है और 2023 में इसका 16वां संस्करण जारी किया गया। इसे जारी किया किसने, नाइट फ्रैंक ने इसे जारी किया है। नेक्स्ट है हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है, तो इसका आंसर है 7वें स्थान पर। ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड ये बन गया है स्विस्कॉम। स्विस्कॉम टॉप पर है लेकिन रिलायंस जियो भी पीछे नहीं है, रिलायंस जियो दूसरे स्थान पर है इसी सूची में। IIRF MBA रैंकिंग में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है, तो यह है IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद ने IIRF MBA रैंकिंग में जो सरकारी स्कूल है उसमें पहला स्थान हासिल किया है। और प्राइवेट स्कूल के बारे में बात करें तो इसमें जेवियर श्रम प्रबंध संस्थान जमशेदपुर ने टॉप स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2022 में भारत की रैंक है 135, पहला स्थान आइसलैंड। आइस मतलब बर्फ, बर्फ का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब शांति, तो आइसलैंड हमेशा ये कई सालों से टॉप पर बना हुआ है। इसे जारी कौन करता है, IEP, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस, क्या बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो भारत की रैंक इसमें कितनी है, 135 है, ठीक है। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस 2023 परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता, तो उत्तराखंड ने। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की झांकी, तो ये भी याद रखना। सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक है, तो यह देश है अमेरिका। भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। सावित्री जिंदल, ये नाम जरूर याद रखना, सावित्री जिंदल कुल $16.96 बिलियन पारिवारिक आय के साथ सबसे अमीर भारतीय महिला बन गई हैं। दुग्ध उत्पादन में दुनिया में नंबर वन स्थान रखता है भारत, ये भी याद रखना। इसे जारी किया गया है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट संघ की डेटाबेस के मुताबिक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPSC क्या करता है, वो पर्यावरण पर आधारित प्रश्नों को ज़्यादा वरीयता देता है, तो ऐसे प्रश्न जब आएँ जिसमें पर्यावरण से कोई संबंध हो तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो ये है डेनमार्क, और भारत इसमें 180वें स्थान पर है। जारी करता है येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, दोनों ने मिलकर इसे जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश टॉप पर है, तो यह है हांगकांग। भारत इसमें 89वें स्थान पर है। इसे जारी कौन किया है, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट, मुख्यालय इसका कनाडा में है। फिर इसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है उसको देखते हैं, ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप पर है, तो यह है भारत। स्विस फर्म IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देश चाड है, ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि IQAir के द्वारा जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक दुनिया में सबसे प्रदूषित देश है चाड। भारत टॉप 10 में शामिल है, 8वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत विश्व में 135वें स्थान पर है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, 135वें स्थान पर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर है, तो ये है MIT USA। तो MIT कई सालों से लगातार टॉप पर बना हुआ है, तो इस बार भी कोई परिवर्तन नहीं है।
मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 78% अनुमोदन के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि कोई एग्जामिनर हो जिसके दिमाग में ये बात आ ही जाए तो वो लिख भी देगा क्वेश्चन पेपर में। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 144वें स्थान पर है। देखो ये आर्टन कैपिटल वाला, ये दो पासपोर्ट इंडेक्स होता है ना, दो आता है, एक तो हिनले वाला आता है, एक आर्टन कैपिटल द्वारा आता है, तो आर्टन कैपिटल वाले में भारत 144वें स्थान पर है। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में टॉप पर डेनमार्क है, भारत 65वें स्थान पर है। जारी कौन किया है? व्हाइट शील्ड, मुख्यालय अमेरिका में है। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार, यानी कि आईक्यू एयर 2023 के अनुसार, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान का लाहौर है, लेकिन भैया बम्बई दूसरे स्थान पर, दिल्ली तीसरे स्थान पर, तो चिंता मत करिए। नेक्स्ट होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें। अब देखो बात क्या हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 42वें स्थान पर है। अगर यहाँ पर प्रश्न बनेगा 2022 तो भारत एक अंक नीचे चला जाएगा, 43वें स्थान पर। आगे प्रश्न है, तो 2023 में टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूके है, तीसरे स्थान पर फ्रांस है, भारत 42वें स्थान पर है। जारी वही करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका। नेक्स्ट होगा आपका वैश्विक भूख सूचकांक 2022, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। इस सूचकांक में संयुक्त रूप से 17 देश टॉप पर हैं, चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, रोमानिया, सर्बिया इसमें शामिल है। पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, श्रीलंका की जो पोजीशन है वो है 64, बांग्लादेश 84, नेपाल 81, म्यांमार 71। जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड आयरलैंड और वेल्ट हंगर हिल्फे संगठन जर्मनी के द्वारा। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 37वें स्थान पर है, पहले स्थान पर है डेनमार्क। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो 43वें स्थान पर, पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत। तो फिलहाल अब हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में रहते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 4 है। इसे जारी किया गया है डिफेंस स्टेटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GEP के द्वारा। टॉप पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चाइना है, फिर भारत है। यानी कि अगर हम बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, यानी कि हमारी जो वायुसेना है ये चौथी सबसे पावरफुल वायुसेना है पूरी दुनिया में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q1 मतलब क्वार्टर वन में कौन सा देश टॉप पर है? तो जापान। भारत की रैंक कितनी है? 85। मैंने आपको बताया था ना कि एक आर्टन के द्वारा जारी होता है, उसमें भारत की रैंकिंग अलग है और हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग अलग है, तो दोनों याद रखना, ठीक है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा? 108वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? 108 है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आपका जो पहला स्थान होगा, यानी कि ये जो चुनावी इंडेक्स जारी हुआ है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क है। इसे जारी किया गया है VDEM इंस्टीट्यूट के द्वारा। सिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश हमारा प्यारा भारत, दूसरे स्थान पर UAE है। और 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला जो देश है वो अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर रूस है, ठीक है, रूस, फिर है भारत। ये याद रखना आप, ये आंकड़ा यहाँ पर गलत हो गया, तीसरे स्थान पर यहाँ पर रूस होना चाहिए था, चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट होगा कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो भारत आतंकवाद प्रभावित देशों में 13वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित जो देश है वो अफगानिस्तान है। विश्व वायुशक्ति सूचकांक 2022 भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर, टॉप पर कौन है? अमेरिका है। नेक्स्ट होगा ग्लोबल पेंशन सूचकांक 2022 में कौन सा देश लगातार
दूसरे बस टॉप पर है तो आइसलैंड, मतलब पेंशन के मामले में आइसलैंड टॉप पर है, भारत 41वें स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश को। सबसे स्वच्छ बड़ा राज्य मध्य प्रदेश बना, सबसे स्वच्छ छोटा राज्य बना है त्रिपुरा। जारी किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन से आपको एक से दो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप विजिट कर लीजिएगा studywithgyanprakash.com पर, आपको यहाँ पर सारा मटेरियल पढ़ने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपको इसी प्रकार के टॉपिक और इसी फॉर्मेट में उपलब्ध कराए जा सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।